हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख घाटी में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक घर पहुंचे। हर तरफ शहादत को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद परिवारों की आंखें नम, लेकिन शहादत पर है गर्व। तेलंगाना के सूर्यपेट में कर्नल संतोष बाबू पंचतत्व में विलीन हुए। अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद जवान सतनाम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। लद्दाख हमले के अमर जवान सूबेदार मनदीप सिंह को भी नम आंखों से पटियाला में श्रद्धांजलि दी गई। आखिरी सलाम के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचा शहीद गणेश कुंजम का पार्थिव शरीर। सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बिहार में पटना के पास बिहटा में शहीद हवलदार सुनील कुमार की राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। लद्दाख के हमले में हुए थे शहीद। चीनी मीडिया ने फिर फैलाया झूठ, कहा हिंदुस्तान के कई जवान अब भी लापता हैं। भारतीय सेना ने चीन के इस झूठे दावे को खारिज किया। गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के सबूत मिले। लाठियों से नहीं बल्कि ऐसे कटीले हथियारों से भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया था। गलवान के हमले के बाद चीन से निपटने के तरीकों पर बड़ा बदलाव हो सकता है। एलएसी पर फायरिंग नहीं करने के नियम बदलने पर हो रहा है विचार। चीन ने फिर गीदड़ धमकी दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा भारतीय सेना हमें भड़काई नहीं, हम तो बातचीत से समाधान चाहते हैं। पूरी दुनिया में झूठे चीन की हरकत की हो रही है आलोचना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने इमरान नाबी नाम के आतंकी को पकड़ा। हथियार भी मिले। पिछले महीने आतंकी संगठन में शामिल हुआ था इमरान। कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मस्जिद के पास छिपे थे आतंकी। दो दिन पहले शोपिया में 3 आतंकियों का खात्मा भी किया था। पूरे देश में कल रिकॉर्ड तोड़ करीब 13,000 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 334 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना केस 50,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के दाम कम हुए। अब 4,500 रुपए की जगह 2,400 रुपए में होगा टेस्ट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना से ऐसे हालात हैं कि हम रोक लगाएंगे तो भगवान जगन्नाथ भी माफ कर देंगे। राजस्थान में 3 महीने बाद शुरू हुई 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया। 20 लाख से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। कर्नाटक के शिवमोगा में प्री यूनिवर्सिटी इंग्लिश एग्जाम आज से शुरू हो गए। परीक्षा केंद्रों पर कई दिनों से चल रही थी केमिकल से सफाई। दूरी का भी परीक्षा में रखा जा रहा है ध्यान। कोरोना संकट में मार्केट में हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ी। यूपी में अलीगढ़ के किसान बोले खूब बिक रही हैं सब्जियां। हरी सब्जियों से शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ने का दावा है। पूरी दुनिया में कोरोना मामले 84 लाख हुए। अगले हफ्ते 1 करोड़ के पार जा सकती है संख्या। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में सबसे ज्यादा मौत हुई है। 48,000 लोगों की यहां गई है जान। पटना में अभिनेता सुशांत राजपूत के परिवार ने गंगा नदी में अस्थि विसर्जन किया। सुसाइड केस की जांच में आज मुंबई पुलिस ने सुशांत की दोस्त को बुलाकर काफी देर तक पूछताछ की। मुंबई में मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। आज घाटकों पर कुर्ला चेंबूर इलाकों में जमकर बरसे बादल। कई जगह जलजमाव भी हो गया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 3री और 4थी मंजिल पर आज आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई थी। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक गाय को पटाखों के साथ खाना खिलाने का आरोप। गाय घायल है। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।